तो हेलो गाइस, टीएस नाइन का एक न्यू चैलेंज लेकर मैं आ चुका हूँ। तो आज मैंने चैलेंज किया है राज को। राज एक टावर नाइन का एक पूरी एक प्रो बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक रूल रखा है कि ये रूल है कि आप लोग एक अटैक दो बार नहीं ट्राई कर सकते। लाइक यहाँ पर राज ने पहला अटैक चुका है तो जो है उच्च अटैक। तो अगर राज उच्च अटैक करे तो इसके बाद ना राज उच्च अटैक कर सकता है ना मैं उच्च अटैक कर सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, लाइक आपने किया है चैप ब्रेकर अटैक या फिर कोई भी करो उसके बाद आप और अटैक ना आपका सेट ना मिल सकते हो। लाइक आप सोचो कि आप गोवा अटैक किया तो गोवा अटैक करने के बाद आप लोग क्वीन चार्ज गोवा अटैक नहीं कर सकते। मतलब कि जो है मेन टूप्स के साथ आप लोग दो बार अटैक नहीं कर सकते। तो यह बस देखो बंदे ने गोलेम यूज़ करे है क्वीन अटैक में। अगर बंदा इसके बाद गोलेम के जगह चाइन यूज़ करे तो नहीं कर सकता। तो चलिए राज का अटैक देखते हैं। तो राज ने पहले यहाँ पर तो गोलू उसके पीछे विश किंग क्वीन और दोनों छोड़ देगा शायद और वॉल ब्रेक करेगा। सक्सेसफुली वॉल ब्रेक हो गया। अब पॉइजन किया गया जन स्पेल। तो सब देखो यार, सब के सब टूप्स तो जो है वो कोर में जा रहे हैं। मैंने कहा था ना बंदा बहुत ही प्रो प्लेयर है, मतलब गजब का प्लेयर। तो मैं सीसी का टूप्स निकल आया है लॉक फीस और पॉइजन टोमेट के ऊपर। क्वीन आ गया कोर में टोमेट को मारने के लिए। एक हील स्पेल डोनेट और क्विकिंग को हील करने के लिए क्योंकि ओवर दे दिया। देखो ओवर वॉल था, वॉल को तोड़ने में टूप्स को टाइम लगेगा, इसलिए बंदे ने ये हील स्पेल दे दिया। मतलब समझते हो कितना, मतलब बहुत ही प्रो लेवल का बंदा है। तो किंग डाउन हमारा किंग डाउन बट उसका तो एनिमी हुआ। देखो यार क्या है बेच में, और हर कोर बंदे ने खाली कर दिया। और अभी देखो बॉलर ने बंदे ने बॉलर को स्टार्टिंग में यूज किया था और बॉलर अभी भी इमॉर्टल। मतलब बंदा बहुत बहुत ही प्रो लेवल बंदा है। और ये जो बेच है ये सुमित 07 का बेच है। सुमित 07 ने ये बेच को बोला था कि ये बेच बहुत ही हार्ड है। तो सुमित 07 तूने मुझे क्या बेच दिया और आसान तरीके से थ्री स्टार ले लिया। तो इजीली थ्री स्टार है इजीली। यार अब तो मेरा ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बाद मुझे थ्री स्टार लेना ही पड़ेगा जो भी हो जाए तो भी हो जाए। और अगर देखो तो मेरा किंग क्वीन भी थोड़ा लो लेवल है। मेरा 17 किंग है और टावर 9 में 30 का मैक्स होता है। कोई बात नहीं, अगर आपका स्किल अच्छा हो तो आप लोड की हीरो से भी आप इजी मैक्स बेच में 3 स्टार ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है और इजी है इजी। देखो यार डोनेट का बॉलर अभी भी, यार क्या ही अटैक किया है बंदे ने यार। राज यू आर गेट। और आज चलो हो गया, अब पढ़ते हैं हमारे अटैक। तो हम अटैक करेंगे उसके बीच टू मैंने सीन कर लिया। तो हम उसके बीच ऊपर अटैक करेंगे जैप लावलो अटैक, जो बेसिकली मैं ही करता हूँ और ज़्यादा कोई यूट्यूबर नहीं करता। जैप कोई भी नहीं करता, मेरे हिसाब से जैप डैग ये जो अटैक है मैं कर रहा हूँ बहुत बहुत ही कम लोग करते हैं। तो टू लावा 10 मिनियन और 28 लून और यहाँ पर मैं 9 लाइटिंग स्पेल यूज करूँगा क्योंकि इसके पास मैक्स क्वीन है और मैक्स क्वीन को मारने के लिए मुझे 5 जैप मतलब लाइटिंग स्पेल चाहिए। तो देखो मेरा अटैक देखो आप लोग, तो आप लोग समझ जाओगे। तो है राज का पहला बेस। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, 5 लाइटिंग स्पेल से क्वीन और एयर डिफेंस दोनों को ही डाउन करूँगा। और जो है 4 लाइटिंग स्पेल इसके में और एक को डाउन कर दिया। मुझे कैन कैसल के सीसी को निकलना है तो मुझको नहीं पता कि इसके कैन कैसल में क्या है, अंदर क्या जगह रखा है कैन कैसल के अंदर। यार कैन कैसल निकलता क्यों नहीं है यार। इतना पेशेंट तो लाइक लड़की का पीरियड्स के समय भी नहीं होता था। मैं छोड़ दो अरे करते था मैं भी नहीं है नोट था। तो लावा तीन लिए लून और देखो यार आप लोग जो लू है ना इसे सर्ची का टाइम में छोड़ना। आप लोग क्या करते हो स्कैम की तरह कर 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 सबको लून लून को सब जब ड्रॉप करके देते हो। तो लून को ना थोड़ा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बहुत बंदे को देखा है जो लून के ऐसे दोनों को छोड़ दो, मतलब स्कैम करते हैं लून को। लून को स्कैम मत करो।
करके आएगा। हाँ आना तो चाहिए थी इस टाइम। क्वीन मरा, ठीक है कोई बात नहीं। और यार ड्रैगन राइडर इतना पावरफुल ग्रुप है ना, क्या कहो आपको। और देखते देखते ये बेस भी निकल गया है। इसके बाद ब्रास्के में एक बेस टू का बहुत ही पावरफुल बेस है, एक वो भी स्वीट 07 का बेस है। स्वीट 07 ने मुझे वो बेस दिया था, मुझे नहीं सबको दिया था, मैंने चोरी करके ले लिया। तो ए बेस भी हो गया हमारा ट्विस्टर। तो नेक्स्ट अटैक है, चलिए देखते हैं। तो ए है बेस, ये स्वीट 07 का बेस है, यहाँ पे रास अटैक कर रहा है, वो भी ड्रैगन अटैक। मतलब देखो अब रास ड्रैगन अटैक कर रहा है, तो इसके बाद मैं और रास दोनों ही ड्रैगन अटैक नहीं कर सकते। तो रास यहाँ पे शायद से एक ड्रैगन से थोड़ा फन कर रहा है, और यहाँ से मैं भी उसकी डाउन हॉल या कुछ गोल कलेक्टर है उसको डाउन करने का सोच रहा है। डाउन भी हो जाएगा यहाँ पे आराम से, इनको ड्रॉप कर दिया है। और हमारा क्वीन ने अभी तक टारगेट कर लिया है, क्वीन ने लून को टारगेट। क्या के चल गया, हमारा रॉकेट लॉन्चर भी निकल गया है एकदम पूरी भावे। तो मुझे लग रहा है कि ये अटैक तो फेल है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि अरे देखो देखो मुझे नहीं पता बंदा प्रो है, पर मुझे नहीं लग रहा ठीक हो सकता है बेस। और ठीक नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल ठीक है बेस। ये बेस के ऊपर मैंने बहुत अटैक ट्राई किया है, ठीक नहीं हुआ है। सिर्फ बहुत से मैंने ये बेस को निकाला था। तो 65 अब है मेरी बारी, तो मैं ये बेस कवर करने वाला हूँ। वो हॉक ड्रोन में लिया है मैंने बुलेट, तो एक कोलू तीन इंजर, एक कोलू तीन इंजर, वॉल ब्रेकर सारे के सारे, अपन डोनेट तीन तीन, एक फेस पेल, एक्सपो डाउन कर ले क्वीन, दो एक्सपो डाउन कर ले। अरे क्वीन माता चोत पहन चुके लौड़े, मेरी कान सूस ले माता को के, एक्सपो को मार, एक्सपो को मार क्वीन, ये क्वीन एक्सपो मार। अरे क्वीन तेरी कान में खाले मेरी चाले साली और साले। अरे यार पागल क्वीन, कोई बात नहीं तीन हॉप और तीन हॉप दे देता हूँ, एक ही स्पेल या तो अच्छा तीन तीन जैन को मिली है, यहाँ पर एक ही जैन को मिली है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और यहाँ पर ही स्पेल हो गया, तो हम थोड़ा ऊपर रहेंगे।
और देखो यहाँ पर जो है लावण हो गया है तो हॉक एरक, हॉक एरक भी हो गया है, इसलिए मैं इसके नेक्स्ट एरक में ना क्वीन चार्ज हॉक एरक कर सकता हूँ ना क्वीन चार्ज लावण एरक भी कर सकता हूँ, मतलब बैन हो गया मुझे यार। मेरे पर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि लास्ट एरक में मैं क्या एरक करूँगा और क्या अटैक है मुझे नहीं पता। तो ये है मेरा बेस, तो यह मैंने खीन हो गया था कि मैं लास्ट को जो बेस देना चाहता था वहाँ पर मैंने थोड़ा टैप का जो है टैप से चेंज कर देते, इसलिए वो बेस के ऊपर लॉक लग गए, तो इसलिए मुझे मेरा ये बेस देना पड़ा। बहुत ईजी बेस है, अगर मैं वो बेस देता तो अच्छा होता, वो बेस बहुत ही हार्ड था। तो बंदे यहाँ पर कर रहा है पेक्का को वाइट, मतलब समझ रहे हो पेक्का को वाइट करने के लिए आपको बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और बंदे वो ये एयर कर रहा है पेक्का को वाइट अटैक, मैंने एयर अटैक किया है किस होता है ठीक है डाउन लाएंगे ऐसे कुछ जो भी होते हैं, मतलब वो जो बेस होते क्या बोल रहा हूँ मैं, वो बेस के ऊपर एयर नहीं होते फेल होते हैं, तो मैं एयर नहीं करता तो रास्ता तो रास्ता किंग डाउन हो गया है। ये अटैक बहुत ही क्लोज है यार, अगर टीचर हो गया तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही होगा। देखते क्या होगा, विनी मेरा तेज मारेगा। तो एक लाभा को जब जाए अगर पिक चाइन और पिक का में भी मेरे हिसाब से मुझे और थोड़ा पिक का ज़्यादा नहीं ना सकता, क्या ही करूँ यार चाइन टू दाउन नाइन में जाए अटैक और वो भी 2022 में गवा, मतलब कि यार क्या भी बोलूँ। और मैंने सोचा था बेस को फैल के अटैक करूँ, उसके बाद मैंने देखा नहीं ये बच्चों कंपार्टमेंट है ना बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट है, इसलिए मैंने लाल वालों बैल कर नहीं किया चाय रख कर दिया। और जाहिर भी अब चाइन भी पागल है यार, ये बताओ कितने सारे चाइन पर अटके हुए हैं, और बोलर क्वीन को बोलर किंग को क्वीन को अगर क्वीन अगर अंदर जाता तो ये बेस टीचर आ ही जाता आराम से, कोई भी रोक नहीं सकता मेरे बेस को आराम से थी आराम से, तो हमारा क्वीन तो है चुकिया। तो हमें एक चैलेंज जीतने के लिए चाहिए 75 का चुक किया था लाइक 76%, ये तो हो सकता है ये बेस में 75% के लिए देखते हैं।